क्या आपके बच्चे खाना नहीं खाता है? आज से चार चार परांठे खाएगा। आज इस रेसिपी को बनाकर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज किचन। गाइस, आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। यह बहुत ही मजेदार रेसिपी है। इसके लिए हमें एक पैकेट मैगी चाहिए। मैगी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैगी को डायरेक्ट फ्लेम में रोस्ट करेंगे। अब हमें एक पैन को गर्म होने के लिए चढ़ाना है और इसमें चार चम्मच ऑलिव तेल डाल देना है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो इसमें हम एक छोटे साइज का प्याज चॉप करके इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स करके थोड़ी देर पकने देंगे। अब हम डालेंगे आधा चम्मच ग्रेटेड गार्लिक यानी कि लहसुन और दो हरी मिर्च को भी फाइन चॉप करके इसमें डाल देंगे। प्याज लहसुन जब अच्छी तरह से भून जाए तब आपको इसमें मैगी डाल देना है और मैगी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे और एक चौथाई चम्मच हल्दी डाल देंगे, डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब मैंने लिया है एक चम्मच अचार का मसाला, इसे भी डाल देंगे, डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो मैगी मसाला है, मैगी मसाला को भी इसमें हम डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम मैगी को ढककर धीमी आंच पर पकने देंगे। एक से डेढ़ मिनट में मैगी बनकर तैयार हो जाता है, तो गैस ऑफ कर देंगे और मैगी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 100 ग्राम गेहूं का आटा और इसमें एक चौथाई चम्मच नमक डालेंगे, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और दोनों को डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथना शुरू करेंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए डो गूंथते हैं वैसा ही डो गूंथकर तैयार करेंगे। अब इस डो को दो पोर्शन निकालेंगे, एक पोर्शन उठाएंगे, इसे राउंड करेंगे और इसके ऊपर हल्का सा रोलर चलाएंगे। इस साइज में बेलने के बाद तैयार किया हुआ लगभग आधा कप मैगी हम इसके ऊपर रखेंगे, अच्छी तरह से बंद करेंगे। अब इसे हम अपने हाथों से इस तरह से बेलेंगे ताकि हल्का फ्लैट हो जाए। अब रोलर बोर्ड पर रखकर रोलर को हल्का हल्का इसके ऊपर चलाएंगे। ध्यान रखें कि दबा दबा कर नहीं बेलना है, हल्का हल्का चलाना है। इसे हमें रोटी की तरह पतला नहीं बेलना है, यह थिक ही रहेगा। बस आपको थोड़ा सा इसे फ्लैट कर देना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो सके। अब आपको लेना है एक तवा और इसके ऊपर हम बेला हुआ रोटी रख देंगे। एक साइड कुक हो जाता है तो इसे हम फ्लिप करेंगे और दोनों तरफ घी लगाकर बढ़िया तरह से इसे हम सेक लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है तो अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। वाओ, इट्स लुक सो यमी। क्या आपने ऐसा पराठा कभी खाया है? गाइस, सच कहती हूँ, यह पराठा इतना स्वादिष्ट बना है कि सभी को बहुत पसंद आया है। मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है, बार बार बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं और मैं बनाती भी रहती हूँ। एक बार आप भी इस पराठा को अपने घर पे बनाइए। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही न्यू एंड लेटेस्ट रेसिपी के लिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।